बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी, जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। क्या बोला तूने? लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा, साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन वो नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। सुभान अल्लाह, मेरे आका बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले गए मक्का पाक से, सातों आसमानों की सैर की, फरिश्तों ने मुबारकबादियां पेश की, अंबिया से मुलाकात हुई, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, रब का दीदार किया, न जाने वहां कितना वक्त गुजारा, जन्नत के तबकात देखे, जहन्नम के तबकात मुलायजा फरमाए। नबी पाक वापस अपने घर पहुंचते हैं, कितनी देर लगी? उलमा लिखते बिस्तर अभी तक गर्म था। क्या बोला तूने? कुत्ता पालना तो वैसे ही हराम है, समझते हो कि नहीं समझते? बाकी पाले फिर क्या, क्या क्या पाले? सवाल पैदा होता है ना, कुछ भी नहीं पाले। ऐसा नहीं है, सबसे पहले बीवियां पाले आप। कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले उस पे भी। सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।